राजधानी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में शुक्रवार शाम भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की उनके ऑफिस में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि दो हमलावर पैदल ही उनके ऑफिस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश सुरेंद्र को 5 गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। इस हमले में उनके भांजे और एक अन्य की जान बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता की हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बिंदापुर थाना पुलिस ने सुरेंद्र मटियाला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की कई टीम आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। सूत्रों ने बताया कि उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि इसी विवाद में उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि सुरेंद्र मटियाला अपने परिवार के साथ उत्तम नगर इलाके में रहते थे। वह भाजपा से जुड़े हुए थे और किसान मोर्चा नजफगढ़ के प्रभारी थे। शुक्रवार को वह मेट्रो फिलर नंबर 722 के स्थित अपने ऑफिस में टीवी देख रहे थे। उनके साथ भांजा और एक अन्य शख्स मौजूद थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दो शख्स उनके ऑफिस में पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गोली बीच में बैठे सुरेंद्र को लगी, जिनके चलते उनके बचने का मौका नहीं मिल सका। इस दौरान ऑफिस में मौजूद बाकी दोनों लोगों ने नीचे झुककर जान बचाने में कामयाब रहे। आरोपियों ने 10 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की, जिनमें से 5 सुरेंद्र को लगी। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि फायरिंग करने वाले दो लोग थे, उनका एक साथी बाइक पर दूर खड़ा था। वारदात के बाद दोनों अपने साथी की बाइक पर फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।